बीजेपी की सरकार कर्मचारी संघ है जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे ही किसान यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका स्वागत करेंगे। जो आज लगभग हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का, सब जगह का जो किसान, पंजाब का आज त्राही त्राही है। लगभग 8-10 दिन से ये जद्दोजहद चल रही है। हम यहाँ जो किसान पीछे से चल के आ रहे हैं, हम उनके क्रांतिकारी जज्बे को यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जो आज किसान 10 दिन से धरना भय, सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया है, कहीं भी किसान आएंगे हम जगह जगह इनके जत्थों का स्वागत करेंगे। और रही दूसरी बात, जो भी हमें ऊपर से वो मिलेगा हम इनका भरपूर समर्थन करेंगे। और सर्व कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में और देश में इसके साथ है, किसानों के साथ। जो हमें आज हमारे उच्च नेताओं ने फैसला लिया है, जो भी किसानों का जत्था आ रहा है उनका हम जगह जगह पर स्वागत करें, फरीदाबाद में 3 जगह पर। और देश का अन्नदाता जो आज त्राई त्राई मचरा, जो 3 अध्यादेश ये सरकार 2020 में ले आई है उसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन और जत्थे चले हुए हैं। दिल्ली के चारों तरफ से किसान आए हुए हैं और कर्मचारियों का भी समर्थन है, मजदूरों का भी, और किसानों के साथ हर वर्ग कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा है। किसान आंदोलन है, उसका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पहले ही समर्थन की घोषणा कर दी है। और ढांसा बॉर्डर पर और जो है सोनीपत बॉर्डर पर हमारे सर्व कर्मचारी संघ CI2 की तरफ से लंगर की व्यवस्था, स्वास्थ्य कैंप वहाँ पर हमने लगा रखा है। और अब जो ये हमारा जत्था आ रहा है इसका हम फूलमालाओं से स्वागत करेंगे। और अगर सरकार ने किसानों की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया तो, और किसानों पर किसी भी प्रकार का कोई लाठीचार्ज या और दमनकारी नीति सरकार ने अपनाई, तो कर्मचारी इसका सड़कों पर उतर करके विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि जो कृषि के लिए 3 कानून बनाए हैं, तीनों कानून वापस हों, MSP पर सरकार अपना जो है लिखित किसानों को आश्वासन दे। जितने भी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो कह रहे हैं कि जो किसान झाड़ से इटली की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं वो उनका यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। और वो भी सरकार से यही अपील करेंगे कि जो किसानों के खिलाफ जो बिल पास किए गए हैं सरकार उन्हें जल्द से जल्द वापस ले। आगे की और भी अपडेट, हम इससे जुड़ी जानकारी सारी हम आपको आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।